नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। और मैं अभी भी गोवा में हूं। आपकी पिछली वीडियो में जो प्यार मिला मेरी वीडियो में आपके द्वारा, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज आपको मैं लेकर आया हूं, दिखा देता हूं। मैं समय हूं पंजिम में, गोवा की राजधानी। और अभी के बाद जो भी ब्लॉग आएंगे वो मोस्टली पंजिम के होंगे। पंजिम जो है वो भी एक अच्छी सुंदर जगह है, और जिधर मैं रहता हूँ वहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर का सफ़र मैंने यहाँ पर तय किया अपना स्कूटर पे। यहाँ पर पार्किंग पे स्कूटर लगाओ, 20 रुपये दो, 10 रुपये दो। और आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा इस चर्च का। तो दोस्तों बने रहे ब्लॉग में। और मैं इस चर्च का हालांकि नाम नहीं जानता, बट ऐसे सुनने में आता है कि यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हुई है। वन ऑफ द मूवी समबडी वाज टेलिंग मी सलमान खान की एक मूवी है। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं इस चर्च के अंदर, ये जो कॉम्प्लेक्स है उस तरफ चलते हैं। और फिलहाल तो अभी सुबह का समय है, और सुबह के समय में हालांकि इतना रश नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से इस तरफ का नज़ारा। और अच्छा हुआ कि अभी तक हालांकि यहाँ पर इतना रश वगैरह नहीं है। तो चलेंगे थोड़ा सा और करेंगे इस सफ़र, इस चर्च का जो सफ़र है मतलब नज़ारा है उसको देखेंगे जी। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ से आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैप का जो लोकेशन है, इस जगह का लोकेशन है, वो डाल दूँगा। रिसर्च का नाम क्या है सब कुछ वो डाल दूँगा। बढ़ते हैं इस तरफ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं दैट आई वांट टू शो यू। प्लीज़ ड्रेस्ट मोड। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको वेल ड्रेस्ट होके आना है, कोई अजीब से कपड़े पहन के मत आइए। और लेकिन यहाँ पर नो एंट्री है, और नो एंट्री को नहीं जा सकते। सो फिलहाल यहीं से है, बट नो एंट्री है। नॉट गोइंग आज को अरे कारण गॉबी नो पाड़े ना, लेकिन यहीं से आपको दिखा सकता हूँ। आई डोंट नो क्या बजे के ऊपर। ओरा प्रो नोबिस। तो दरअसल मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पर नो एंट्री है। मेरे ख्याल से वो उस वो क्या शायद वहाँ से पूछते किसी को उधर से कि अगर यहाँ से एंट्री नहीं है। अच्छा, जा पीछे से जा सकते हैं। कहाँ से होगा रास्ता? वो इधर से आइडिया नहीं, पूछ रहे थे। अच्छा, उनसे पूछते हैं। ऑलराइट, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूछता हूँ किसी से। और यहाँ पर कोई है नहीं फिलहाल, पर पीछे से कहाँ जाना पड़ेगा दैट आई डोंट नो। यहाँ पर एक आदमी खड़ा था पहले, उसको वो किसी को इशारा कर रहा था। तो मेरे ख्याल से एंट्री है लेकिन दूसरी ओर से। तो ऐसा करते हैं वहीं से चलते हैं, और उस तरफ से फिर अपना इस चर्च के अंदर से अंदर में हम जाते हैं। तो बने रहिए मित्रों ब्लॉग में। ब्लॉग इस चर्च का ख़त्म नहीं हुआ। और यदि वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करना, बने रहिए। तो गाइज मैं वापस नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। दरअसल जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि दरअसल मेरे ख्याल से एंट्री यहाँ से है, तो यहाँ से जो एंट्री है वो बंद कर रखी है। बट इफ़ आई वांट टू गो इनसाइड सो आई मस्ट टेक दिस वे। सो ये मेरा गेस है शायद, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं और चर्च का जो खूबसूरत नज़ारा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे छोटे छोटे से घर हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है वैसे देखने के लिए। चलिए जी मित्रों, बने रहिए ब्लॉग में, एंड देन एंजॉय करते हैं मिलकर गोवा के इस खूबसूरत चर्च का। जो सड़क थी वो शायद गाड़ियों के लिए, तो मैंने ये शॉर्ट कट लिया है। आई कैन सी सम पीपल आर सिटिंग ओवर देयर। और शॉर्ट कट लेने का फ़ायदा ये हो गया कि भाई जल्दी पहुंच गया। या तो ये एक्चुअली मैं चर्च की जो मेन एंट्री है वहाँ से है।
फिर फाइनली पहुंच गए जी। तो यहाँ पर है जी मेन चर्च, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोग खड़े हैं। चर्च के उस तरफ भी जाएंगे लेकिन फिलहाल अभी तो मैं पहले वहाँ नीचे था। तो ऐसा करते हैं उस तरफ से चलते हैं और उस तरफ से भी यहाँ का नज़ारा देखते हैं, और क्योंकि यहाँ पर इस समय जो है वो क्रिसमस सीजन है। सम पीपल आर वॉचिंग देम फ्रॉम हियर। और ये चर्च है, और आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन गो इनसाइड बट आई विल ट्राई। पर फिलहाल हम यहाँ से देखते हैं। तो ये चर्च का कॉम्प्लेक्स, ये था यहाँ का खूबसूरत नज़ारा चर्च का। और क्योंकि आज संडे है और संडे होने की वजह से जो अंदर है चर्च सर्विस भी हो रही है लाइक प्रेयर वगैरह, बट आई कैन नॉट कन्फर्म दैट कि इफ आई कैन फिल्म इनसाइड, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि कुछ मंदिर चर्चेज में ऐसा होता है कि दे वोंट अलाउ यू टू फिल्म इनसाइड, बट फिर भी थोड़ा बाहर का कॉम्प्लेक्स आपको दिखा देता हूँ। देयर आर सम पीपल सिटिंग आउटसाइड एंड हिज फादर, एंड दे आर मोस्टली आई थिंक फ्रॉम द चर्च। बट बिफोर आई फिल्म इनसाइड, ऑलराइट, सो यहाँ पर भी शायद परमिशन का चक्कर है, तो वो बोल रहे हैं कि आपको जो बड़ा फादर है उसको पूछना पड़ेगा। और बड़ा फादर जो है वो समय स्टेज पर है, और सिंस ही इज़ ऑन द स्टेज सो आई कैन नॉट डू दिस क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था जो चर्च का अंदर वाला हिस्सा, बट आई थिंक आई कैन नॉट। तो दैट्स द बैड थिंग, बट बाहर का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सजे हुए हैं, ये देखिए ये कुछ बने हुए हैं राजा रानी से। ऑलराइट, लेट अस आस्क So I think they are praying inside. So this is what he said, that koi sort of they call it mass. Kuch aisa kuch ho raha hai andar. Okay guys, well ek baar fir se main aapko yahan ka church ka nazara hai wo dikha deta hu. Yeah, koi aur le demand kar. I mass. Call on my time, baba ji dekh le hamare se. All right. So main wo bilkul niche se aaya. और यहाँ से मैंने एंट्री की आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ से जो थी वो नो एंट्री थी। उसके बाद मैं इस वाले सफ़र मतलब रोड को लेते हुए यहाँ से आया, एंड देन दिस इज़ द चर्च। अंदर जाने का मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि नो बडी वॉज कन्फर्म, आई वॉज आस्किंग, आई थिंक ही इज़ वर्किंग हियर, तो
तो उन्होंने बोला कि हैव टू आस्क दी फादर, इसका मतलब यहाँ पर अगर ये पूछने वाला काम है तो इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि आप अंदर जा सकते हो या नहीं, तो बेटर नॉट टू टेक रिस्क बिकॉज़ आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन। तो गाइस ये था यहाँ का चर्च, इस चर्च का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चर्च, सॉरी कैन यू स्पीक लाउडली, ओके थैंक यू। सो इस चर्च का वो नाम था जो उस बैंड ने लिया, तो दैट इज़ अ चर्च। सो गाइस जब आप गोवा में हो तो ज़रूर आप यहाँ पर आइए, यहाँ के चर्च का आनंद लीजिए, और यहाँ पर आप अगर बाय फेथ क्रिश्चियन हैं तो आप मास में भी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। और ये था आज के इस चर्च का व्लॉग जो कि पणजी में था, वो कहते हैं कि पणजी में दिस इज़ द वन ऑफ द फेमस चर्च। और मिलता हूँ फिर से एक और नए व्लॉग में, तब तक आप सुरक्षित रहें और मिलजुल कर रहें, प्यार बनाए रखें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी करें। बाय बाय।